श्री गर्भ गीता अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है? प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवानोवाच। हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसीलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म, मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुनोवाच। हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन पांच विकारों के वश में है। वे पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है, माया मन को हर लेती है। इन पांच विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है, यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके? श्री कृष्णोवाच। हे कौन्तेय, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच। हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूं। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, मनुष्य इन पांच विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री अस्मय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुनोवाच। हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है
और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है। मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जगन्य पशु बनता है। श्री कृष्णोवाच, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदरा पान करता है वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं बाद में भगवान को दान करते हैं वे बिल्ली सूकर की योनि को प्राप्त करते हैं। अर्जुनोवाच, हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री भगवानोवाच, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं, फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है। श्री भगवानोवाच, हे कौन्ते, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है, विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंडवायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है। ये रोग क्यों होते हैं बताने की कृपा करें। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवानोवाच, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्त ग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण,
ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म और मरण से बचेंगे। इति श्री गर्भ गीता संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के वार्तालाप से परिपूर्ण यह प्रसंग जनश्रुति और सामाजिक मान्यता के आधार पर लिखा गया है। सनातन के सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण धर्माचार्य इसके पाठ की आज्ञा देते हैं।